बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई हो खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लाए हैं छोले भटूरे की, जो आप मेरे अंदाज़ में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए, यहाँ पर कुकर में तेल गर्म हो गया था, इसके अंदर हमने ज़ीरा, खड़े मसाले और तकरीबन 2 अदद प्याज चॉपर से चॉप करके डाली है। तो ये 4 टमाटर हैं जिनका हमने अच्छे से फाइनली ग्राइंड कर लिया, और इसके अंदर 2 चम्मच भर के धनिया, 1 चम्मच भर के मिर्च और 1 चम्मच भर के हमने हल्दी के डाल दिए हैं। और ये बहुत सिंपल मसालों में और बहुत जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है, ज़्यादा इजी फॉर्म में। तो इस तरह से आप बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, इसके अंदर हमने नमक शामिल कर दिया है ताकि हमारे प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो हमारे प्याज जो हैं तकरीबन हल्के से लाल हो गए हैं, और इसके अंदर हमने 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और आप ये बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो ये देखिए, इसके अंदर हमने जो 4 अदद टमाटर, हल्दी, मिर्चा, धनिया लिया था वो डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी। ये अशोक का चाट मसाला है, ये बहुत बेस्ट होता है, हम इसी को यूज़ करते हैं जब भी हम छोले बनाते हैं। तो 2 चम्मच भर के हमें इसे भी ले लेना है, तो इससे जो छोलों का टेस्ट होता है वो बहुत बेहतर आता है। तकरीबन हमारे छोले जो हैं वो 250 ग्राम हैं, जो हमने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। वो बहुत अच्छे से जब फूल गए तो सुबह में उसको हमने नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल करके बॉयल कर लिया, और तकरीबन हमने उसमें 5-6 सीटी लगाई। तो देखिए, हमने इसमें छोले मसाले और मिर्च डाल दिया है। जब तक मसाला हमारा भुनता है तो हम भटूरे की तैयारी कर लेते हैं। तो तकरीबन हमारा 1/2 किलो मैदा है, और 100 ग्राम के तकरीबन हमने इसमें गेहूं का आटा मिला दिया है। तो इसमें हमने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, और 2 स्पून इसमें हमने ऑयल के डाले हैं, और इसको अच्छे से हमें मिला देना है। इसमें नमक भी थोड़ा कम ही रखिएगा, और तकरीबन 2 टीस्पून इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद हमने इसमें 150 ग्राम तकरीबन दही डाल दिया है। तो दही डालने से भटूरों का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त सा आता है, और यकीन मानिए कि आप इस तरह से बनाएंगे तो रेस्टोरेंट के छोले भटूरे खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है, और लॉकडाउन का तो ये फ़ायदा हुआ कि जो चीज़ें हम बाहर से खाते थे तो घर में सभी ने सभी चीज़ें बना बना के ट्राई की। इस वक्त तो पूरा मुल्क मास्टर शेफ़ बना हुआ है लॉकडाउन में, क्योंकि जिसका जो भी मन कर रहा है तो वो चीज़ें वो घर में तैयार कर रहा है। कोई जलेबी बना के खा रहा है, तो कोई गुलाब जामुन बना के खा रहा है, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ। तो बस इस वक्त सब बावर्ची हैं। तो ये चीज़ तो अच्छी हुई कि चलिए, अच्छा खाना खाने से मन और दिमाग दोनों ही बहुत खुश होता है। तो बस अच्छे से बनाइए, अच्छे से खाइए, आप भी खुश रहिए और आपकी फैमिली भी खुश रहे। और जल्दी से ये जो कोरोना नाम की आफत है, हम सबके सर से निजात हासिल हो इसकी। तो देखिए, जब तक हमारा सब कुछ तो तैयार हो रहा था तो हम बाहर आ गए, देखा बिल्कुल घनघोर सन्नाटा बाहर छाया हुआ है। तो अब हम किचन में आ गए हैं, देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है तकरीबन 15 मिनट, और इसके अंदर जो हमने बॉयल वाले चने उबाल के रखे थे, वो बॉयल वाले चने जो रखे हैं वो उसके अंदर हमने शामिल कर दिया। तकरीबन इसे भी हम 5 मिनट और भूनने देंगे, और जो ये डो हमने रेस्टिंग स्टेज पे रखा था इसको अच्छे से फिर से गूंद लेंगे। और इसको याद रखिएगा, टाइट ना गूंथिएगा वरना आपके भटूरे अच्छे नहीं बनेंगे। ना इसे टाइट करना है और ना इसे ज़्यादा लूज़ करना है। तो बस ये ऐसा है कि बस नॉर्मल बिल्कुल। तो चलिए, थोड़ी देर में हम भटूरे की भी तैयारी करेंगे। तो ये देखिए, ये 5 मिनट हो चुके हैं, चना और मसाला आपस में बहुत अच्छे से पक चुका है, और इसकी ग्रेवी जो है ना ज़्यादा थिक रखिएगा और ना ज़्यादा पतली, तभी जो है छोले आपके बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो जिस पानी में हमने छोले बॉयल किए थे ये वही पानी है, इसको आप फेंकिएगा मत, क्योंकि इसके जो प्रोटीन चने के न्यूट्रिशियस है इसी पानी में है। तो बस इसमें आपको डाल देना है, और तकरीबन 4 से 5 सीटी आपको ले लेनी है।
तो बस ये देखिए छोले भी हमारे तैयार हो चुके हैं, और बस जब भूख लगे तभी आप इसको गरम गरम तल करके देते जाइए, क्योंकि गरम गरम भटूरे खाने में ही मज़ा आता है। तो बस सब खा रहे हैं और हम लोग फ्राई कर करके सबको दे रहे हैं, तो आइए आप सब भी खा लीजिए। और इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर लाजमी आपको ट्राई करना है, और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी सिर्फ सिर्फ आपके लिए। तो जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की न्यू और फ्रेश नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो बताइएगा ज़रूर कि आज की ये रेसिपी कैसी थी। तो देखिए लुक्स छोले यम्मी बिल्कुल मेरे अंदाज में। आइए आप सभी खा लीजिए, ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त से। तो बस आज का वीडियो ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।